जीवन साधना जो कभी असफल नहीं जाती। बालक की तरह मनुष्य सीमित है, उसे असीम क्षमता उसके सुसंपन्न सृजेता भगवान से उपलब्ध होती है, पर यह सशर्त है। छोटे बच्चे वस्तुओं का सही उपयोग नहीं जानते, न उनकी संभाल रख सकते हैं, इसीलिए उन्हें दुलार में जो मिलता है हल्के दर्जे का होता है। गुब्बारे, झुनझुने, सीटी, लेमन चूस स्तर की विनोद वाली वस्तुएं ही मांगी और पाई जाती हैं। प्रौढ़ होने पर लड़का घर की जिम्मेदारियां समझता और निभाता है, फलतः बिना मांगे उत्तराधिकार का हस्तांतरण होता है। इसके लिए प्रार्थना याचना नहीं करनी पड़ती, न दांत निपोरने पड़ते हैं और ना नाक रगड़नी पड़ती है। जितना हमें मांगने में उत्साह है, उससे हजार गुना देने में उत्साह भगवान को और महामानवों को होता है। कठिनाई एक पड़ती है, सदुपयोग कर सकने की पात्रता विकसित हुई या नहीं। इस संदर्भ में भविष्य के लिए झूठे वायदे करने से कुछ काम नहीं चलता। प्रमाण ये देना पड़ता है कि अब तक जो हाथ में था उसका उपयोग वैसा होता रहा है। हिस्ट्री शीट इसी से बनती है और प्रमोशन में यह पिछला विवरण ही काम आता है। हमें पिछले कई जन्मों तक अपनी पात्रता और प्रामाणिकता सिद्ध करनी पड़ी है। जब बात पक्की हो गई तो ऊंचे क्षेत्र से अनुग्रह का सिलसिला अपने आप ही चल पड़ा। सुग्रीव, विभीषण, सुदामा, अर्जुन आदि ने जो पाया, जो कर दिखाया, वह उनके अपने पराक्रम का फल नहीं था, वरन उसमें ईश्वर की सत्ता और महत्ता काम करती रही है। बड़ी नदी के साथ जुड़ी रहने पर नहरें और नहरों के साथ जुड़े रजवाहे खेतों को पानी देते रहते हैं। यदि इस सूत्र में कहीं गड़बड़ी उत्पन्न होगी तो अवरोध खड़ा होगा और सिलसिला टूटेगा। भगवान के साथ मनुष्य अपने सुदृढ़ संबंध सुनिश्चित आधारों पर ही बनाए रह सकता है, उसमें चापलूसी जैसी कोई गुंजाइश नहीं है। भगवान की किसी से न निजी मित्रता है न शत्रुता, वे नियमों से बंधे हैं, समदर्शी हैं। हमारी व्यक्तिगत क्षमता सर्वथा नगण्य है, प्रायः जन साधारण के समान ही उसे समझा जा सकता है। जो कुछ अतिरिक्त दिखता है या बन पड़ा है उसे विशुद्ध दैवी अनुग्रह समझा जाना चाहिए। वो सीधा कम और मार्गदर्शक के माध्यम से अधिक आता रहा है, पर इससे कुछ अंतर नहीं आता। धन बैंक का है, भले ही वो नकदी के रूप में या चेक ड्राफ्ट आदि के माध्यम से मिला हो। ये दैवी उपलब्धि किस प्रकार संभव हुई, इसका एक ही उत्तर है, पात्रता का अभिवर्धन। उसी का नाम जीवन साधना है। उपासना के साथ उसका अनन्य एक घनिष्ठ संबंध है। बिजली धातु में दौड़ती है, लकड़ी में नहीं। आग सूखे को जलाती है, गीले को नहीं। माता बच्चे को गोदी तब लेती है जब वो साफ सुथरा हो, मलमूत्र से सना हो तो पहले उसे धोएगी, पोछेगी, उसके बाद ही गोदी में लेने और दूध पिलाने की बात करेगी। भगवान की समीपता के लिए शुद्ध चरित्र आवश्यक है। कई व्यक्ति पिछले जन्म में तो मलिन रहे हैं, पर जिस दिन से भक्ति की साधना अपनाई उस दिन से अपना कायाकल्प कर लिया। वाल्मीकि, अंगुलिमाल, बिल्वमंगल, अजामिल आदि पिछले जीवन में कैसे ही क्यों न रहे हों, जिस दिन से भगवान की शरण में आए उस दिन से सच्चे अर्थों में संत बन गए। हम लोग राम नाम जपना पराया माल अपना की नीति अपनाते हैं, कुकर्म भी करते रहते हैं, पर साथ ही भजन पूजन के सहारे उनके दंड से छूट मिल जाएगी ऐसा ही सोचते रहते हैं। ये कैसी विडंबना है। कपड़े को रंगने से पूर्व धोना पड़ता है, बीज बोने से पूर्व जमीन जोतनी पड़ती है। भगवान का अनुग्रह अर्जित करने के लिए भी शुद्ध जीवन की आवश्यकता है। साधक ही सच्चे अर्थों में उपासक हो सकता है। जिससे जीवन साधना नहीं बन पड़ी
उसका चिंतन, चरित्र, आहार, विहार, मस्तिष्क अवांछनीयताओं से भरा रहेगा। फलतः मन लगेगा ही नहीं। लिप्साएं और तृष्णाएं जिनके मन को हर घड़ी उद्विग्न किए रहती हैं, उसे न एकाग्रता सधेगी और न चित्त की तन्मयता आएगी। कर्मकांड की चिन्ह पूजा भर से कुछ बात बनती नहीं। भजन का भावनाओं से सीधा संबंध है। जहां भावनाएं होंगी वहां मनुष्य अपने गुण, कर्म, स्वभाव में सात्विकता का समावेश अवश्य करेगा। संभ्रांत मेहमान घर में आते हैं, उत्सव होते हैं तो घर की सफाई पुताई करनी पड़ती है। जिस हृदय में भगवान को स्थान देना है उसे कषाय कलमशों से स्वच्छ किया जाना चाहिए। इसके लिए आत्मनिरीक्षण, आत्मसुधार, आत्मनिर्माण और आत्मविकास की चारों ही दिशाधाराओं में बढ़ना आवश्यक है। इन तथ्यों को हमें भली प्रकार समझाया गया, सच्चे मन से उसे हृदयंगम भी किया गया। सोचा गया कि आखिर गर्हित जीवन बनता क्यों है। निष्कर्ष निकाला कि इन सभी के उद्गम केंद्र तीन हैं, लोभ, मोह और अहंकार, जिसमें इनकी जितनी ज्यादा मात्रा होगी वह उतना ही अवगति की ओर घिसटता चला जाएगा। क्रियाएं वृत्तियों से उत्पन्न होती हैं। शरीर मन के द्वारा संचालित होता है। मन में जैसी उमंगे हैं शरीर वैसी ही गतिविधियां अपनाने लगता है। इसीलिए अवांछनीय कृत्यों, दुष्कृत्यों के लिए शरीर को नहीं मन को उत्तरदायी समझना चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विष वृक्ष की जड़ काटना उपयुक्त समझा गया और जीवन साधना का आधारभूत क्षेत्र मन से ही आरंभ किया गया। देखा गया है कि अपराध प्रायः आर्थिक प्रलोभनों या आवश्यकताओं के कारण होते हैं। इसीलिए उनकी जड़ें काटने के लिए औसत भारतीय स्तर का जीवन यापन अपनाने का व्रत लिया गया। अपनी निज की कमाई कितनी क्यों न हो, भले ही वो ईमानदारी या परिश्रम की क्यों न हो, पर उसमें से अपने लिए, परिवार के लिए खर्च देशी हिसाब से किया जाए, जिससे कि औसत भारतीय गुजारा करना संभव हो। यह सादा जीवन उच्च विचार का व्यवहारिक निर्धारण है। सिद्धांततः कई लोग इसे पसंद करते हैं और उसका समर्थन भी, पर जब अपने निज के जीवन में इसका प्रयोग करने का प्रश्न आता है तो उसे असंभव कहने लगते हैं। ऐसा निर्वाह व्रतशील होकर ही निभाया जा सकता है। साथ ही परिवार वालों को इसके लिए सिद्धांततः और व्यवहारतः तैयार करना पड़ता है। इस संदर्भ में सबसे बड़ी कठिनाई लोक प्रचलन की आती है। जब सभी लोग ईमानदारी, बेमानी की कमाई से गुलछर्रे उड़ाते हैं तो हम लोग ही अपने ऊपर ऐसा अंकुश क्यों लगाएं? इस प्रश्न पर परिजनों और उनके पक्षधर रिश्तेदारों को सहमत करना बहुत कठिन पड़ता है। फिर भी यदि अपनी बात तर्क, तथ्य और परिणामों के सबूत देते हुए ठीक तरह प्रस्तुत की जा सके और अपने निज का मन दृढ़ है तो फिर अपने समीपवर्ती लोगों पर कुछ भी असर न पड़े ऐसा नहीं हो सकता। आर्थिक अनाचारों की जड़ काटनी है तो यह कार्य इसी स्तर के लोक शिक्षण एवं प्रचलन से संभव होगा। उस विश्वास के साथ अपनी बात पर दृढ़ रहा गया। घिया मंडी मथुरा में अपना परिवार 5 सदस्यों का था। तब उसका औसत खर्च 1971 में हरिद्वार जाने तक 200 रुपए मासिक नियमित रूप से बनाए रखा गया। मिलजुल कर मितव्यता पूर्वक लोगों से भिन्न अपना अलग स्तर बना लेने के कारण सब मजे में चलता रहा। यों आजीविका अधिक थी, पैतृक संपत्ति से पैसा आता था, पर उसका व्यय घर में अन्य संबंधी, परिजनों के बच्चे बुलाकर उन्हें पढ़ाते रहने का नया दायित्व ओढ़कर पूरा किया जाता रहा। दुर्गुण,
दुर्व्यसनों से पनपने लायक पैसा बचने ही नहीं दिया गया और जीवन साधना का एक महत्वपूर्ण पक्ष सरलतापूर्वक निभता रहा। मोह परिवार को सजाने, सुसंपन्न बनाने, उत्तराधिकार से संपदा छोड़ मरने का होता है। लोग स्वयं विलासी जीवन जीते हैं और वैसी ही आदतें बच्चों को भी डालते हैं, फलतः अपव्यय का सिलसिला चल पड़ता है और अनीति की कमाई के लिए अनाचारों के विषय में सोचना और प्रयास करना होता है। दूसरों के पतन व अनुभवों से लाभ उठाया गया और उस चिंतन तथा प्रचलन का घर में प्रवेश नहीं होने दिया गया। इस प्रकार अपव्यय भी नहीं हुआ, दुर्गुण भी नहीं बढ़े, कुप्रचलन भी नहीं चला और सुसंस्कारी परिवार विकसित होता चला गया। तीसरा पक्ष अहंता का है। शेखीखोरी, बड़प्पन, ठाट बाट, सज धज, फैशन आदि में लोग ढेरों समय और धन खर्च करते हैं। निजी जीवन तथा परिवार में नम्रता और सादगी का ऐसा ब्राह्मणोचित माहौल बनाए रखा गया कि अहंकार के प्रदर्शन की कोई गुंजाइश नहीं थी। हाथ से ही घरेलू काम करने की आदत अपनाई गई। माताजी ने मुद तो हाथ से ही चक्की पीसी है, घर का तथा अतिथियों का भोजन तो वो मुद्दत से ही बनाती रही। घरेलू नौकर की आवश्यकता तो तब पड़ी जब बाहरी कामों का असाधारण विस्तार होने लगा और उनमें व्यस्त रहने के कारण माताजी का उसमें समय दे सकना संभव नहीं रह गया। ये अनुमान गलत निकला कि ठाट बाट से रहने वालों को बड़ा आदमी समझा जाता है और गरीबी से गुजारा करने वाले उद्विग्न, अभागे, पिछड़े पाए जाते हैं। हमारे संबंध में ये बात कभी लागू नहीं हुई। आलस्य और अयोग्यतावश गरीबी अपनाई गई होती तो अवश्य वैसा होता, पर स्तर उपार्जन योग्य होते हुए भी यदि सादगी का हर पक्ष स्वेच्छापूर्वक अपनाया गया है तो उसमें सिद्धांतों का परिपालन ही लक्षित होता है। जो भी अतिथि आए, जिन भी मित्र संबंधियों को रहन सहन का पता चला, उनमें से किसी ने भी इसे दरिद्रता नहीं कहा, वरन ब्राह्मण परंपरा का निर्वाह ही माना। मिर्च न खाने, खड़ाऊ पहनने जैसे एकाद उपकरण सादगी के नाम पर अपनाकर लोग सात्विकता का विज्ञापन भर करते हैं। वस्तुतः आध्यात्मिकता निभती है सर्वतोमुखी संयम और अनुशासन से। उसमें समग्र जीवनचर्या को ब्राह्मण जैसी बनाना एवं अभ्यास में उतारने के लिए सहमत करना होता है। ये लंबे समय की और क्रमिक साधना है। हमने इसके लिए अपने को साधा और जो भी अपने साथ जुड़े रहे उन्हें यथासंभव सधाया। संचित कुसंस्कारों का दौर हर किसी पर चढ़ता रहता है।
संस्कारी न बनाया जा सके। आराधना जिसे निरंतर अपनाए रहा गया। गंगा, यमुना, सरस्वती के मिलने से त्रिवेणी संगम बनने और उसमें स्नान करने वाले का कायाकल्प होने की बात कही गई है। बगुले का हंस और कौवे का कोयल आकृत से बदल जाना तो संभव नहीं है, पर इस आधार पर विनिर्मित हुई अध्यात्म धारा का अवगाहन करने से मनुष्य का अंतरंग और बहिरंग जीवन असाधारण रूप से बदल सकता है, यह निश्चित है। ये त्रिवेणी उपासना साधना और आराधना के समन्वय से बनती है। ये तीनों कोई क्रियाकांड नहीं है, जिन्हें इतने समय में इस विधि से इस प्रकार बैठकर संपन्न करते रहा जा सके। ये चिंतन, चरित्र और व्यवहार में होने वाले उच्च स्तरीय परिवर्तन हैं, जिनके लिए अपनी शारीरिक और मानसिक गतिविधियों पर निरंतर ध्यान देना पड़ता है। दुरितों के संशोधन में प्रखरता का उपयोग करना पड़ता है और नई विचारधारा में अपने गुण, कर्म, स्वभाव को इस प्रकार अभ्यस्त करना पड़ता है जैसे अनगढ़ पशु पक्षियों को सर्कस के करतब दिखाने के लिए जिस तिस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है। पूजा कुछ थोड़े समय की हो सकती है, पर साधना तो ऐसी है जिसके लिए गोदी के बच्चे को पालने के लिए निरंतर ध्यान रखना पड़ता है। फलवती भी वही होती है। जो लोग पूजा को बाजीगरी समझते हैं और जिस तिस प्रकार के क्रियाकृत्य करने भर के बदले रिद्धि सिद्धियों के दिवास्वप्न देखते हैं, वो भूल करते हैं। हमारे मार्गदर्शक ने प्रथम दिन ही त्रिपदा गायत्री का व्यवहार स्वरूप उपासना साधना आराधना के रूप में भली प्रकार बता दिया था। नियमित जप ध्यान करने का अनुबंधों सहित पालन करने के निर्देश के अतिरिक्त ये भी बताया था कि चिंतन में उपासना, चरित्र में साधना और व्यवहार में आराधना का समावेश करने में पूरी पूरी सतर्कता और तत्परता बरती जाए। उस निर्देशन का अध्यावधि यथा संभव ठीक तरह ही परिपालन हुआ है। उसी के कारण अध्यात्म अवलंबन का प्रतिफल इस रूप में सामने आया कि उसका सहज उपहास नहीं उड़ाया जा सकता। आराधना का अर्थ है लोक मंगल में निरत रहना। जीवन साधना प्रकारांतर से संयम साधना है। उसके द्वारा न्यूनतम में निर्वाह चलाया और अधिकतम बचाया जाता है। समय, श्रम, धन और मन मात्र इतनी ही मात्रा का शरीर तथा परिवार के लिए खर्च करना पड़ता है जिसके बिना काम न चले। काम न चलने की कसौटी है औसत देशवासियों का स्तर। इस कसौटी पर कसने के उपरांत किसी भी श्रमशीलता और शिक्षित व्यक्ति का उपार्जन इतना हो जाता है कि काम चलाने के अतिरिक्त भी बहुत कुछ बच सके। इसी के सदुपयोग को आराधना कहते हैं। आमतौर से लोग इस बचत को विलास में, अपव्यय में अथवा कुटुंबियों में बिखेर देते हैं। उन्हें सूझ नहीं पड़ता कि इस संसार में और भी कोई अपने हैं, औरों की भी कुछ जरूरतें हैं। यदि दृष्टि में इतनी विशालता आई होती तो उस बचत को ऐसे कार्यों में खर्च किया गया होता जिससे अनेकों का वास्तविक हित साधन होता और समय की मांग पूरी होने में सहायता मिलती। ईश्वर का एक रूप साकार है जो ध्यान धारणा के लिए अपनी रुचि और मान्यता के अनुरूप गढ़ा जाता है। यह मनुष्य से मिलती जुलती आकृति प्रकृति का होता है। ये गठन उस प्रयोजन के लिए है तो उपयोगी, आवश्यक, किंतु साथ ही ये ध्यान रखने योग्य भी है कि वास्तविक नहीं, काल्पनिक है। ईश्वर एक है, उसकी इतनी आकृतियां नहीं हो सकती जितनी कि भिन्न भिन्न संप्रदायों में गढ़ी गई है। उपयोग मन की एकाग्रता का अभ्यास करने तक ही सीमित रखा जाना चाहिए।
प्रतिमा पूजन के पीछे आद्योपांत प्रतिपादन इतना ही है कि दृश्य प्रतीक के माध्यम से अदृश्य दर्शन और प्रतिपादन को समझने, हृदयंगम करने का प्रयत्न किया जाए। सर्वव्यापी ईश्वर निराकार हो सकता है, उसे परमात्मा कहा गया है। परमात्मा अर्थात आत्माओं का परम समुच्चय, इसे आदर्श का एकाकार कहने में भी हर्ज नहीं। यही विराट ब्रह्म या विराट विश्व है। कृष्ण ने अर्जुन और यशोदा को अपने इसी रूप का दर्शन कराया था। राम ने कौशल्या तथा काकभुशुंडी को इसी रूप को झलक के रूप में दिखाया था और प्राणियों को उनका दृश्य स्वरूप। इसी मान्यता के अनुसार ये लोक सेवा ही विराट ब्रह्म की आराधना बन जाती है। विश्व उद्यान को सुखी समुन्नत बनाने के लिए ही परमात्मा ने बहुमूल्य जीवन देकर अपने युवराज की तरह यहां भेजा है। इसकी पूर्ति में ही जीवन की सार्थकता है। इसी मार्ग का अधिक श्रद्धापूर्वक अवलंबन करने से अध्यात्म उत्कर्ष का वो प्रयोजन सधता है जिसे आराधना कहा गया है। हम करते रहे हैं सामान्य दिनचर्या के अनुसार रात्रि में शयन, नित्य कर्म के अतिरिक्त दैनिक उपासना भी उन्हीं 12 घंटों में भली प्रकार संपन्न होती रही है। 12 घंटे इन तीनों कर्मों के लिए पर्याप्त रहे हैं। 4 घंटा प्रातः काल का भजन इसी अवधि में होता रहा है। शेष 8 घंटे में नित्य कर्म और शयन, इसमें शयन की कोताही कहीं नहीं पड़ी। आलस्य प्रमाद बरतने पर तो पूरा समय ही एंड बैंड में चला जाता है, पर एक एक मिनट पर घोड़े की तरह सवार रहा जाए तो प्रतीत होता है कि जागरूक व्यक्तियों ने इसी में तत्परता बरतते हुए वो कार्य कर लिए होते जितने के लिए साथियों को आश्चर्यचकित रहना पड़ता है। ये रात्रि का प्रसंग हुआ। अब दिन आता है, उसे भी मोटे रूप में 12 घंटे का माना जा सकता है। इसमें से 2 घंटे भोजन विश्राम के लिए कट जाने पर 10 घंटे विशुद्ध बचत के रह जाते हैं। इनका उपयोग परमार्थ प्रयोजनों की लोक मंगल आराधना में नियमित रूप से होता रहा है। संक्षेप में उन्हें इस प्रकार कहा जा सकता है। पहला, जनमानस के परिष्कार के लिए युग चेतना के अनुरूप विचारणा का निर्धारण, साहित्य सृजन। दूसरा, संगठन प्राणवान जागृत आत्माओं को युग धर्म के अनुरूप गतिविधियां अपनाने के लिए उत्तेजना मार्गदर्शन। तीसरा, व्यक्तिगत कठिनाइयों में से निकलने तथा सुखी भविष्य निर्मित करने हेतु परामर्श योगदान। हमारी सेवा साधना इन तीन विभागों में बटी है। इसमें दूसरी और तीसरी धारा के लिए असंख्य व्यक्तियों से संपर्क साधना और पाना चलता रहा है। इनमें से अधिकांश को प्रकाश और परिवर्तन का अवसर मिला है। इनके नामोल्लेख और घटनाक्रमों का विवरण संभव नहीं, क्योंकि एक तो जिनकी सहायता की जाए इनका स्मरण भी रखा जाए, यह अपनी आदत नहीं। फिर उनकी संख्या और विनिर्मित उतनी है कि जितने स्मरण हैं उनके वर्णन से ही एक महापुराण लिखा जा सकता है। फिर उनको आपत्ति भी होती है। इन दिनों कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रचलन समाप्त हो गया, दूसरों की सहायता को महत्व कम दिया। अपने भाग्य या पुरुषार्थ का ही बखान किया जाए, दूसरों की सहायता के उल्लेख में हेटी लगती है। ऐसी दशा में अपनी ओर से उन घटनाओं का उल्लेख करना जिसमें लोगों के कष्ट घटे या प्रगति के अवसर मिले उचित न होगा। फिर एक बात भी है कि बखान करने के बाद पुण्य घट जाता है। इतने व्यवधानों के रहते उस प्रकार की घटनाओं के संबंध में मौन धारण करना ही उपयुक्त समझा जा रहा है और कुछ न कहकर ही
प्रसंग समाप्त किया जा रहा है। इतने पर भी वे सेवाएं महत्वपूर्ण हैं। अब तक प्रज्ञा परिवार से प्रायः 24 लाख से भी अधिक व्यक्ति संबंधित हैं। उनमें से जो मात्र सिद्धांतों आदर्शों से प्रभावित होकर इस ओर आकर्षित हुए हैं वे कम हैं। संख्या उनकी ज्यादा है जिन्होंने व्यक्तिगत जीवन में प्रकाश, दुलार, सहयोग, परामर्श एवं अनुदान प्राप्त किया है। ऐसे प्रसंग मनुष्य के अंतराल में स्थान बनाते हैं, विशेषतः तब जब सहायता करने वाला अपनी प्रामाणिकता एवं निस्वार्थता की दृष्टि से हर कसौटी पर खरा उतरता हो। संपर्क परिकर में मुश्किल से आधे तिहाई ऐसे लोग होंगे जिन्हें मिशन के आदर्शों और हमारे प्रतिपादनों का गंभीरता पूर्वक बोध है। शेष तो हैरानियों में दौड़ते और जलती परिस्थितियों में शांतिदायक अनुभूति लेकर वापस लौटते रहे हैं। यही कारण है जिससे इतना बड़ा परिकर बनकर खड़ा हो गया। अन्यथा मात्र सिद्धांत पर ही सब कुछ हो रहा होता तो आर्य समाज सर्वोदय की तरह सीमित सदस्य होते और व्यक्तिगत आत्मीयता घनिष्ठता का जो वातावरण दिखता है वो न दिखता। आगंतुकों की संख्या अधिक, समय को समय आगमन, ठहराने, भोजन कराने जैसी व्यवस्थाओं का अभाव जैसे कारणों से इस दबाव का सर्वाधिक भार माताजी को सहन करना पड़ा है। पर उस असुविधा के बदले जितनों की जितनी आत्मीयता अर्जित की है उसे देखते हुए हम लोग धन्य हो गए हैं। लगता है जो किया गया वो ब्याज समेत वसूल होता रहा है। पैसे की दृष्टि से न सही, भावना की दृष्टि से भी यदि कोई कुछ कम ले तो उसके लिए घाटे का सौदा नहीं समझा जाना चाहिए। आराधना के लिए, लोकमंगल साधना के लिए गृह की पूंजी चाहिए। उसके बिना भूखा क्या खाए, क्या बांटे? ये पूंजी कहां से आई, कहां से जुटाई? इसके लिए मार्गदर्शक ने पहले ही दिन कहा था, जो पास में है उसे बीज की तरह भगवान के खेत में बोना सीखो। उसे जितनी बार बोया गया 100 गुना होता चला गया। अभीष्ट प्रयोजन में कभी किसी बात की कमी न पड़ेगी। उन्होंने बाबा जलाराम का उदाहरण दिया था, जो किसान थे। अपने पेट से बचने वाली सारी आमदनी जरूरतमंदों को खिलाते थे। भगवान इस सच्ची साधना से अतिशय प्रसन्न हुए और एक ऐसी अक्षय झोली दे गए जिसका अन्न कभी निपटा ही नहीं। और अभी भी वीरपुर गुजरात में उनका अन्न सत्र चलता रहता है जिसमें हजारों भक्तजन प्रतिदिन भोजन करते हैं। जो अपना लगा देता है उसे बाहर का सहयोग बिना मांगे मिलता है, पर जो अपनी पूंजी सुरक्षित रखता है, दूसरों से मांगता फिरता है, उस चंदा उगाहने वाले पर लोग व्यंग ही करते हैं और यत्किंचित देकर पल्ला छुड़ाते रहते हैं। गुरुदेव के निर्देशन में अपनी चारों ही संपदाओं को भगवान के चरणों में अर्पित करने का निश्चय किया। पहला शारीरिक श्रम, दूसरा मानसिक श्रम, तीसरा भाव संवेदनाएं और चौथा पूर्वजों का उपार्जित धन। अपना कमाया हुआ तो कुछ था ही नहीं, चारों को अनन्य निष्ठा के साथ निर्धारित लक्ष्य के लिए लगाते चले आए हैं। फलतः सचमुच ही वे 100 गुने होकर वापस लौटते रहे हैं। शरीर से 12 घंटा नित्य श्रम किया है, इससे थकान नहीं आई, वरन कार्य क्षमता बड़ी ही है। इन दिनों इस बुढ़ापे में भी जवानों जैसी कार्य क्षमता है। मानसिक श्रम भी शारीरिक श्रम के साथ संजोए रखा। उसकी परिणति यह है कि मनोबल में, मस्तिष्कीय क्षमता में कहीं कोई ऐसे लक्षण प्रकट नहीं हुए जैसे कि आमतौर से बुढ़ापे में प्रकट होते हैं। हमने खुलकर प्यार बांटा और बिखेरा है, फलस्वरूप दूसरी ओर से भी कभी कमी नहीं रही है।
व्यक्तिगत स्नेह, सम्मान, सद्भाव ही नहीं, मिशन के लिए जब जब जो जो अपील, अनुरोध प्रस्तुत किए जाते रहे हैं, उनमें कमी नहीं पड़ी है। 2400 प्रज्ञापीठों का 2 वर्ष में बनकर खड़े हो जाना इसका जीवंत तो उदाहरण है। आरंभ में मात्र अपना ही धन था, पैतृक संपत्ति से ही गायत्री तपोभूमि का निर्माण हुआ, जन्मभूमि में हाई स्कूल खड़ा किया गया, बाद में एक और शक्तिपीठ वहां विनिर्मित हो गया। आशा कम ही थी कि लोग बिना मांगे देंगे और निर्माण का इतना बड़ा स्वरूप खड़ा हो जाएगा। आज गायत्री तपोभूमि, शांति कुंज, गायत्री तीर्थ, ब्रह्म वर्चस्व की इमारतों को देखकर भी ये अनुमान लगाया जा सकता है कि बोया हुआ बीज 100 गुना होकर फलता है क्या नहीं। ये श्रद्धा का अभाव ही है जिसमें लोग अपना संचय बगल में दबाए रखना चाहते हैं, भगवान से लॉटरी अथवा लोगों से चंदा मांगते हैं। यदि बात आत्मसमर्पण से प्रारंभ की जा सके तो उसका आश्चर्यजनक परिणाम होगा। विनिर्मित गायत्री शक्तिपीठों में से जूनागढ़ के निर्माता ने अपने बर्तन बेचकर कार्य आरंभ किया था और वही अब तक विनिर्मित सभी इमारतों में मूर्धन्यों में से एक है। बाजरे का, मक्का का एक दाना 100 दाने होकर पकता है। ये उदाहरण हमने अपनी संचित संपदा के उत्सर्ग करने जैसा दुस्साहस करने में देखा। जो था वह परिवार के लिए उतनी ही मात्रा में, उतनी ही अवधि तक दिया, जब तक कि वे लोग हाथ पैरों से कमाने खाने लायक नहीं बन गए। उत्तराधिकार में समर्थ संतान हेतु संपदा छोड़ मरना, अपना श्रम मनोयोग उन्हीं के लिए खपाते रहना हमने सदा अनैतिक माना और विरोध किया है। फिर स्वयं वैसा करते भी कैसे? मुफ्त की कमाई हराम की होती है, भले ही वो पूर्वजों की खड़ी की गई हो। हराम की कमाई न पचती है न फलती है। इस आदर्श पर परिपूर्ण विश्वास रखते हुए हमने शारीरिक श्रम, मनोयोग, भाव संवेदना और संग्रहित धन की चारों संपदा में से किसी को भी कुपात्रों के हाथ नहीं जाने दिया। उसका एक एक कण सज्जनता के संवर्धन में, भगवान के आराधन में लगाया गया। परिणाम सामने है। जो पास में था उससे अगणित लाभ उठा चुके। यदि कृपणों की तरह उन उपलब्धियों को विलास में, लालच में, संग्रह में, परिवार वालों को धन कुबेर बनाने में खर्च किया होता तो वो सब कुछ बेकार चला जाता, कोई महत्वपूर्ण काम न बनता। वरन जो भी उस मुफ्त के श्रम साधन का उपयोग करते वे दुर्गुण, दुर्व्यसनी बनकर नफे में नहीं घाटे में ही रहते। कितने पुण्य फल ऐसे हैं जिनके सत्परिणाम प्राप्त करने के लिए अगले जन्म की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। पर लोक साधना का परमार्थ ऐसा है जिसका प्रतिफल हाथों हाथ मिलता है। किसी दुखी के आंसू पोछते समय असाधारण आत्मसंतोष होता है। कोई बदला न चुका सके तो भी उपकारी का मन ही मन सम्मान करता है, आशीर्वाद देता है। इसके अतिरिक्त और एक ऐसा दैवी विधान जिसके अनुसार उपकारी का भंडार खाली नहीं होता, उस पर ईश्वरी अनुग्रह बरसता रहता है और जो खर्च गया है उसका भरपाई करता रहता है। भेड़ ऊन कटाती रहती है, हर वर्ष उसे नई ऊन मिलती है, पेड़ फल देते हैं, अगली बार टहनियां फिर उसी तरह लद जाती हैं, बादल बरसते हैं पर खाली नहीं होते, अगले दिनों वे फिर उतनी ही जल संपदा बरसाने के लिए समुद्र से प्राप्त कर लेते हैं। उदार चेताओं के भंडार कभी खाली नहीं हुए। किसी ने कुपात्रों को अपना श्रम समय देकर भ्रमवश दुष्प्रवृत्तियों का पोषण किया हो और उसे भी पुण्य समझा हो तो फिर बात दूसरी है, अन्यथा लोक साधना के परमार्थ का प्रतिफल ऐसा है जो हाथों हाथ मिलता है। आत्मसंतोष, लोक सम्मान,
दैवी अनुग्रह के रूप में 3 गुना सत्परिणाम प्रदान करने वाला व्यवसाय ऐसा है जिसमें जिसने भी हाथ डाला कृत कृत्य होकर रहा है। कृपण ही है जो चतुरता का दम भरते किंतु हर दृष्टि से घाटा उठाते हैं। लोक साधना का महत्व तब घटता है जब उसके बदले नामवरी लूटने की ललक होती है। ये तो अखबारों में इश्तिहार छपाकर विज्ञापनबाजी करना जैसा व्यवसाय है। एहसान जताने और बदला चाहने से भी पुण्य फल नष्ट होता है। दोस्तों के दबाव से किसी भी काम के लिए चंदा दे बैठने से भी दान की भावना पूर्ण नहीं होती। देखा ये जाना चाहिए कि इस प्रयास के फलस्वरूप सद्भावनाओं का संवर्धन होता है या नहीं। सत्प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने में जो कार्य सहायक हों उन्हीं की सार्थकता है, अन्यथा मुफ्तखोरी बढ़ाने और छल प्रपंच से भोले भाले लोगों को लूटते खाते रहने के लिए इन दिनों अगणित आडंबर चल पड़े हैं। उनमें धन या सम्मान देने से पूर्व हजार बार ये विचार करना चाहिए कि अपने प्रयत्नों की अंतिम परिणति क्या होगी। इस दूरदर्शी विवेकशीलता का अपनाया जाना इन दिनों विशेष रूप से आवश्यक है। हमने ऐसे प्रसंगों से स्पष्ट इनकारी भी व्यक्त की है। औचित्य सनी उदारता के साथ साथ अनौचित्य की गंध अपनाने पर अनुदारता अपनाने और नाराजी का खतरा लेने का साहस किया है। आराधना में इन तथ्यों का समावेश भी नितांत आवश्यक है। उपरोक्त 3 प्रसंगों में हमारे जीवन दर्शन की एक झलक मिलती है। यह वह मार्ग है जिस पर सभी महामानव चले एवं लक्ष्य प्राप्ति में सफल हो यश के भागी बने हैं। किसी प्रकार के शॉर्टकट का इसमें कोई स्थान नहीं है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।